हेलो बच्चा पार्टी। सब बढ़िया होंगे और घर पर ही होंगे क्योंकि स्कूल बंद चल रहे हैं। तो आज थोड़ा सा टॉपिक हटके क्लास 10th के बच्चों के लिए है, 12th की बात करूँगा लास्ट में। तो चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स बाय स्कूल की जो CBSE की वो गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनके बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं उनको नंबर कैसे दिए जाएंगे, ठीक है ना। नंबर कैसे दिए जाएंगे, किस किस डेट में उनके रिजल्ट को लेके क्या क्या किया जाने वाला है, तो वो सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में डिटेल में थोड़ा सा। और रिजल्ट की जो डेट बताई गई है वो है जून 20, यानी कि 20 जून को आप लोगों का रिजल्ट जो है वो CBSE डिक्लेयर करेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कैसे क्या मार्क्स दिए जाएंगे उन मार्क्स की बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ बच्चों ने, क्या मैं बोलूँ तो सभी बच्चों ने मेहनत करी, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो मेहनत ना करता हो। देखो दो तरह की मेहनत होती है, एक सीधी सीधी बात बोलो ना, एक मेहनत होती है कि बच्चा दिन रात पढ़ता है, पेपर की तैयारी करता है कि भाई मुझे एग्ज़ाम देना है और मुझे बेटर मार्क्स लेके आने हैं। और एक बच्चा दिन रात पूजा करता है, सुबह उठते ही पूजा करता है, शाम को फिर प्रार्थना करता है कि हे भगवान कोरोना फिर से आए और एग्ज़ाम फिर से कैंसिल हो जाए, या एग्ज़ाम हो ही ना, या मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। तो दो तरह की मेहनत है, मेहनत उसने भी करी है और मेहनत पढ़ने वाले ने भी करी है। बस अंतर क्या था कि पढ़ने वाले ने सब्जेक्ट पे मेहनत करी थी लेकिन दूसरा जो बच्चा था उसने भगवान के सामने मेहनत करी थी, तो जो दूसरा बच्चा था उसका फ़ायदा हो गया, ठीक है, मेहनत वाले का फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, CBSE ने ये भी बोला है कि जो बच्चा अपना रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता वो बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है, जैसे कंडीशंस नॉर्मल होंगी, कोरोना कम होगा। वैसे चुनाव चल रहे थे अब तक, तो चुनाव में कोरोना का ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था देखने को। स्कूल्स और आपके एग्जामिनेशन में थोड़ा ज़्यादा संख्या में होते हो आप लोग, क्योंकि बड़े पैमाने पे, एक जैसे अगर मैं बात करूँ स्कूल में एग्जामिनेशन की, तो एक ज़िला में कुछ बच्चे होते हैं पर्टिकुलर CBSE बोर्ड के, उनके एग्ज़ाम होते हैं। चुनाव की बात करिए तो चुनाव में पूरा ज़िला पार्टिसिपेट करता, 18 साल से ऊपर का हर बच्चा या हर बंदा पार्टिसिपेट करता, लेकिन जो CBSE का पेपर होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर एज के ही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनकी संख्या भी कम होती है। तो ऐसा कोई मेरा गवर्नमेंट के लिए वो नहीं है, अच्छा काम किया, पेपर कैंसिल कर दिया आप लोगों के भविष्य के साथ। अब 11th में आएंगे, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट चूज करेंगे, वरना कोई 50% लाता बेचारा, कोई 40 लाता, कोई 60 लाता, तो हो सकता है उसको PCM नहीं मिलता है, PCB नहीं मिलता, उसके दिल की अरमान जो थे वो हो सकता है चूर चूर हो जाते। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब बात करते हैं, तो जो नंबर दिए जाएंगे वो कैसे दिए जाएंगे, देखो जरा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैटेगरी ऑफ एग्जाम, कैटेगरी ऑफ एग्जाम, ठीक है। मैं एक एक बात क्लियर कर दूंगा, कहीं कहीं टेस्ट बोलते हैं और कहीं कहीं एग्जाम बोलते हैं, ठीक है साहब। तो ऐसे करके एक लाइन खींच लेते हैं बढ़िया सी, और इधर अपन बताएंगे मार्क्स कितने मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। समझिए, देखो जब आप स्कूल गए होंगे तो कुछ महान स्कूल ऐसे होंगे जिन्होंने 10 दिन 15 दिन क्लास लगा के ही बोल दिया होगा कि हम एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि उन स्कूलों का फोकस सिलेबस पे नहीं होता। उन स्कूलों का फोकस ये होता है कि हम नवंबर में कंप्लीट कोर्स दिखा दें जिससे हमारी वाहवाही हो जाए, चाहे कोर्स हम कैसे भी कराएं। तो उन स्कूलों की बात नहीं कर रहे, जिनने सिस्टमेटिक ढंग से करवाया जाता है उनकी बात करूंगा। तो देखिए, पीरियोडिक टेस्ट या कहीं कहीं इनको यूनिट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हर स्कूल में होते हैं, हाँ कुछ बच्चे नहीं दिए होंगे इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं, उनका क्या होगा वो बात की बात है। जिन्होंने दिए, जिन्होंने मेहनत करी उनकी मैं बात करूंगा। तो यहाँ से आपको दिए जाएंगे 10 मार्क्स, कितने मार्क्स दिए जाएंगे बच्चा, 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता हाफ ईयरली, उसके बाद आपका हाफ ईयरली, कहीं कहीं इसको मिड टर्म एग्जाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिड टर्म एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहां से आपको दिए जाएंगे 30 मार्क्स, डरना किसी बच्चे को नहीं है, पास हर बच्चा होगा, ठीक है। बाद में बताऊंगा और कुछ मॉडरेशन की बात करूंगा बाद में। उसके बाद आपका प्री बोर्ड, क्योंकि आपके एनुअल तो हुए नहीं है तो ये आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वहां से आपको दिए जाएंगे
40 मार्क्स, तो अगर हम टोटल बात करें तो यहाँ से बनते हैं हमारे 80 मार्क्स हो गया, जो आपका बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला था वो हमने इसको सीबीएसई ने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा। ठीक है साहब, बात समझ में आती है खूब अच्छे से, हाँ या ना? तो ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि आपके कैसे क्या मार्क्स रहे हैं। रिजल्ट सबने देखा होगा, चाहे ऑनलाइन आया हो रिजल्ट या ऑफलाइन आया हो, तो अपना सिस्टम देखो भाई, ये समथिंग अबाउट ऐसा रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल एग्जामिनेशन की, तो इंटरनल असेसमेंट होते हैं आपके, इंटरनल असेसमेंट जो भी आपके यहाँ सुनना गाना या कॉपी किताब जो भी देखते हो, कहीं कहीं तो कॉपियाँ चेक करते हैं, कहीं राइटिंग स्किल्स देखते हैं, तो ढेर सारी बवाल है। अब कौन क्या करता बवाल वो मुझे नहीं पता, तो ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 20 मार्क्स, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 20 को और 80 को अगर हम ऐड करें, तो हमें मिलते हैं 100 मार्क्स। ठीक है, ये 100 मार्क्स का आपका क्राइटेरिया रहने वाला है, तो इसका भाई ले लो स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। तो ये आपको यहाँ से 100 मार्क्स प्राप्त होंगे, ठीक है, सीबीएसई के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना मिलाते रहना भाई कैसे क्या होने वाला है, तब तक मैं आगे की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए साफ करूँ इसको, चलो भाई साफ करता हूँ, फिर मैं आगे थोड़ा सा समझाता हूँ मॉडरेशन क्या होता है, तो डिटेल में बताऊँगा एक एक बात आपको आज समझा के ही हटूँगा मैं यहाँ से। हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ा 10-12 मिनट का बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो ये तो कैटेगरी हो गई, उसके बाद अब रिजल्ट बनेगा कैसे, तो देखिए समझिए, आपके पास तीन सब्जेक्ट होते हैं, मेन सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस। ठीक है, ये होते हैं आपके मेन सब्जेक्ट, और टू आपकी होती है लैंग्वेज, दैट इज हिंदी हो गया आपका और आपका इंग्लिश हो गया। ठीक है भाई, तो इनको पढ़ाने वाले भी हर स्कूल में कम से कम 5 टीचर तो होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट 5 है। तो हाँ, ऐसा हो जाता है, ऐसी बात नहीं, कुछ विद्वान होते हैं तो सोशल साइंस ही पढ़ाता अंग्रेजी वाला, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तो भाई मैं उस पर ज़्यादा गौर नहीं कर रहा। तो वैसे 5 टीचर होते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये 5 बंदे जो हैं, 5 टीचर जो हैं आपके, ये आपके स्कूल से होंगे। कहाँ से होंगे? स्कूल से होंगे। 2 टीचर जो होंगे आपके, 2 टीचर्स जो होंगे आपके, वो होंगे नियर जो भी आपके स्कूल होगा, नियर स्कूल जो भी होगा आपके पड़ोस में, जहाँ से भी जैसे 12th वालों से पूछना, उनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ होगा, तो उसमें एक अंकल या आंटी आए होंगे, सिस्टर या ब्रदर आए होंगे, सर या मैडम आई होंगे। ठीक है ना, तो वही रहने वाले हैं यहाँ पे भी 2। इनके पैसे की बात करूँ, उनको कितना क्या पैसा मिलना है भैया, तो 2500 इसको, 1500 इसको है। और एक होगा आपका 1 स्कूल प्रिंसिपल, ये तो भाई होगा ही होगा। तो ये कितने टोटल सदस्य होते हैं यहाँ से आपके? 8 मेंबर। ये 8 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, अब ये 8 लोग मिलेंगे, यानी कि 5 आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे, 2 बंदे बाहर के होंगे, और 1 बंदा आपका प्रिंसिपल होगा स्कूल का जो भी हो। तो ये लोग आपके रिजल्ट को तैयार करेंगे, बेस्ट मार्क्स देंगे, हो सकता है ग्रेस मार्क्स भी चल जाए, जिसको हम मॉडरेशन पॉलिसी कहते हैं। वैसे मॉडरेशन पॉलिसी लगती थी जब एग्जाम टफ आता था, 3 सेट होते थे, उसमें से कोई से 2 सेट जो है वो एवरेज या सरल है, और 1 कोई सा सेट टफ है, तो उसमें मॉडरेशन पॉलिसी लगा देते थे, जिससे बच्चे को बैलेंस किया जा सके सीबीएसई के द्वारा। तो यहाँ से फेल तो कोई बच्चा नहीं होने वाला, लेकिन ये जो 8 मेंबर्स हैं आपके कमेटी के, ये देखेंगे आपके रिजल्ट को। ठीक है, अब मैं बताऊंगा किन डेटों में क्या होने वाला है, यानी किन किन तारीखों में कैसे कैसे रिजल्ट आपका प्रिपेयर किया जाएगा, कौन कौन से डेट्स हैं ऐसे जिनमें आपके रिजल्ट्स में क्या क्या चीज़ें करी जाएंगी सेट, वो भी समझ लीजिए ज़रा। तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा इसको भी साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये तो हो गई आपकी कमेटी की बात। चलिए अब देखो, स्टार्टिंग करते हैं डेट वाइज। तो पहली जो बात करूँ अगर मैं फर्स्ट, तो यहाँ से होगा फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी। ठीक है, तो ये होगा आपका 5 मई 2021 को। कब बनाई जाएगी स्कूल को, हर एक स्कूल को, ये सीबीएसई की गाइडलाइन है, मैं वही लिख रहा हूँ। 5 मई को
आपके स्कूल में पहला पॉइंट ये हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी, यानी कि ये 7 लोग और एक प्रिंसिपल तैयार कर दिया जाएगा। उसके बाद नंबर दूसरा, सब्जेक्ट वाइज और स्कूल वाइज, सब्जेक्ट वाइज और आपका स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो पहले रहा होगा, जैसे पहले दिए होंगे, कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी या पहले बीच में कभी CCE चलता था तो उस टाइम पे भी ऐसे मार्क्स जाते थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स बाय CBSE, ये चीज़ भी इन लोगों को सिखा दी जाएगी 5 मई 2021 को ही कि भाई ऐसे ऐसे सेटिंग करनी है तुम्हें। तीसरी बात, अगर हम तीसरी डेट की बात करें तो वो है आपका फाइनलाइजेशन, रिजल्ट बन के हो गया तैयार ऑफ रेशनल डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट है एकदम बढ़िया तरीके से भाई तैयार कर दिए गए हैं। अब बच्चे को मिलेंगे ढंग से नंबर 10 मई 2021 को ये काम हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद अगर कोई भी असेसमेंट कंडक्ट कराया गया है, कंडक्शन ऑफ असेसमेंट अगर कोई करवाया गया है तो ठीक है, इफ एनी, तो ये जो है वो आपका 15 मई 2021 को कर दिया जाएगा तैयार। पांचवा, फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट बाय स्कूल, अब ये स्कूल ने कर दिया आपके ने रिजल्ट तैयार कितनी तारीख को, तो ये है भाई आपका 25 मई, ठीक है। अब आप धीरे धीरे 20 जून के करीब पहुंचा रहा हूं मैं आपको। 6, चेकिंग जो हेडिंग लगाई थी एंड मॉडरेशन बाय स्कूल, जो मैंने हेडिंग लगाई थी भाई, ये हो जाएगा आपका 28 मई को, ठीक है। उसके बाद 7वां, सबमिशन ऑफ इंटरनल मार्क्स बाय स्कूल, ये हो जाएगा आपका 5 जून को, ये हो जाएगा आपका 5 जून को, ठीक है। तो ये 5 जून को है, चलो दिखाई तो दे रहा होगा, मतलब कि सुनाई तो दे रहा। उसके बाद जो 8th आपका पॉइंट है वो मेन है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो भाई ये हो जाएगा आपका 20 जून को, ये जो CBSE ने दिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतना कुछ बताना था, बाकी 12th वालों के बारे में अभी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है बोर्ड ने, जब सोचेगा तो हम भी सोचेंगे कैसे समझाना है, तो मैं कैसे क्या तैयार करना। बाकी अभी तो मैं यही कहूँगा बेटा, आप सभी से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए चीज़ों को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए गए हैं या मैंने कुछ वीडियो में बताए हैं, पूरी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएं रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन टॉपिक्स को इकट्ठा करिए और पढ़िएगा, तो अगर एग्ज़ाम होते हैं आपके तो आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी बताया मैंने कुछ टॉपिक, मैथ्स में भी बताया है कैसे क्या तैयार करना है। तो ये तो थी क्लास 10th की बात, छोटे छोटे से बच्चे हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहो तो कर देना, जिससे वो भी समझ ले कि भाई हमने कैसे कैसे मार्क्स आए थे, क्या ये रिजल्ट जो आने वाला है वो उसके अकॉर्डिंग ही आया है, बेस्ट रिजल्ट तैयार कराया है, सिंगल स्टूडेंट फेल नहीं होगा इसमें, बबलू बबली सब पास हो जाएंगे। छोटे छोटे से खेलने आते हैं, उन लोगों का ज़्यादा फायदा है जो साइकिल लेके भागते थे, कुछ स्कूलों के टीचर से पढ़ते होंगे, कुछ कहीं पढ़ते होंगे तो स्कूल के टीचर से जो बबलू बबली पढ़ते होंगे, डरपोक जो बच्चे होते हैं वो स्कूल वाले से पढ़ते हैं, तो उनको ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनको फेल नहीं किया गया होगा स्कूल में, कुछ ऐसी विड़म्बनाएँ होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि टीचर सोचता भाई ये मेरे पास आया है, मुझको इतना पैसा दे रहा है तो मैं इसको क्यों फेल करूँ, इसको 33% पर ला के छोड़ दूँ, तो उस बबलू बबली का बहुत फ़ायदा होने वाला है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने बोर्ड के रिजल्ट का वेट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।